मां शिवरात्रि के अवसर पर शिवपुरी के सिद्धेश्वर मंदिर पर दर्शन करने आते हजारों श्रद्धालु। शहर बसने से पहले का है मंदिर, राजा नल ने कराया था मंदिर निर्माण। हम आपको बता दें कि शिवपुरी में शिवजी का प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर मेला ग्राउंड में स्थित है। यहां पर हम आपको बता दें कि शिवपुरी शहर बसने से पहले ये मंदिर है। बात की जाए मंदिर की तो मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। बिना रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये मंदिर हजारों साल पुराना माना जाता है। मंदिर में शिवजी की पिंडी के आसपास 12 ज्योतिर्लिंग है जो कि ओमकारेश्वर से लाई गई थी। मंदिर का निर्माण राजा नल के द्वारा कराया गया था। कोरोना काल के बाद आज शहर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों का तांता लग गया। हजारों की संख्या में भगवान शिव के दर्शन करने भक्त पहुंचे। भक्ति भावना से जयकारा लगाते हुए शिव जी के दर्शन किए, साथ ही शिव जी की यात्रा निकालते हुए सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची। देखिए ग्राम जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ शिवपुरी, जिसका नाम शिव की पुरी है, इसके सबसे प्राचीनतम मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर में। सिद्धेश्वर मंदिर की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इस मंदिर का बहुत ही प्राचीन साहित्य है, जिस साहित्य से हम लोगों को जुड़ाव है। शिवपुरी की जनता यहाँ से काफी लगाव रखती है। सिद्धेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो बहुत कई शताब्दियों से मंदिर यहाँ पर बसा हुआ है। आज हम बात करेंगे सिद्धेश्वर मंदिर पे, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व है। श्रद्धालुओं के लगभग सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ हम अब बात करेंगे, यहाँ पर जो महंत है हमारे साथ, महंत जी मौजूद हैं, बात करेंगे कि आखिर शिवरात्रि का पर्व है, कोरोना के बाद एकदम मंदिर खुला है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी अच्छी खासी भीड़ है, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको इसके बाद? इसके बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 2 साल से कोरोना समय के काल में तो नियमों का पालन की वजह से मंदिर बंद थे और सेवा पूजा तो हो रही थी, लेकिन दर्शनार्थियों की संख्या बहुत कम थी। अब काफी संख्या में लोग, लगभग शाम तक 50,000 लोगों का दर्शन करने का है। शिवपुरी का एक काफी प्राचीन मंदिर है, शताब्दियों से मंदिर बसा हुआ है, तो क्या इसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि ये राजा नल द्वारा स्थापित है मंदिर, और समय समय पे सिंधिया राज परिवार ने इसका जीर्णोद्धार कराया है, और पहले मंदिर की स्थापना हुई है, उसके बाद शहर शिवपुरी का बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम शिवपुरी शहर रखा गया। मतलब शिव की पुरी के का जो नाम का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं इस मंदिर से उसका साहित्य जुड़ा हुआ है। मैं बात करना चाहूंगा कि आज क्योंकि कोविड काल के बाद काम हुआ है, मंदिर की समितियां भी यहाँ पर काम कर रही है, और मंदिर समिति ने जिस तरीके से जीर्णोद्धार का काम भी संभाला है, अब जो इस बार मंदिर समिति ने क्या अलग किया है इसको लेके? हाँ, अलग व्यवस्था बहुत अच्छी की है। बिजली विद्युत व्यवस्था है, फूल बंगला का है कार्यक्रम, और शाम को भजन संध्या का भी कार्यक्रम है, प्रसाद वितरण का भी है, ठंडाई का है कार्यक्रम, और रात्रि जागरण है जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। 4 बार आरती होंगी, 4 बार अभिषेक होगा। ये सब माने मंदिर के भक्तों के द्वारा ही किया जा रहा है। इस बार एक विशेष शहर में अभी इस समय अगर बात की जाए तो आज एक तो शहर में नगर भ्रमण भी निकला हुआ है। हाँ। वो उसको लेके काफी आकर्षक है श्रद्धालुओं में, तो उसको लेके वो क्या क्या थीम पे रखा गया? भगवान सिद्धेश्वर भगवान की जो बारात है, तो शादी का आज पर्व है, जो है पर्व की वजह से बारात जो है यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर पे आ रही है, और जगह जगह पे लोग उसका बारात का स्वागत कर रहे हैं, और उसका सब लोग दर्शनार्थी लोग और भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। तो अब हम खड़े हैं मंदिर के गर्भगृह में, सिद्धेश्वर मंदिर के गर्भगृह में। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की एक लंबी कतारें यहाँ पर है। लगभग अगर बात करें तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बात करेंगे, यहाँ पर एक भक्त बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र रेगुला। जितेंद्र जी, कितनी सुबह से, आज शिवरात्रि का पर्व है, सुबह से भीड़ लगी हुई है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर? कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। भोले का दरबार है, सालों बाद खुशी से आ रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं सही तरीके से, कोई दिक्कत का काम नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। कोरोना के बाद मंदिर खुला है, कोरोना के बाद एक बार शिवरात्रि का पर्व आया, कोरोना लगभग इस समय समाप्ति की स्थिति पे है, सिर्फ एक दृष्टिकोण के दृष्टि से है, तो क्या लगता है आपको इस बार लोगों में चार्म ज्यादा है? है, खुशी का माहौल है, कुछ नहीं होगा, माली जो करता अच्छा करेगा, कोरोना कोई काम नहीं है, कोरोना कोई काम नहीं है, अच्छे ही काम होगा शहर के अंदर, ईश्वर सबका भला करे, यही सहायता बनती रहे, मालिक का सब पे बना रहे। आपने देखा श्रद्धालुओं के मन में कहीं ना कहीं इसको लेके, दृष्टिकोण को लेके
किस तरीके से एक प्रेम और भाव, श्रद्धा का भाव बना हुआ है। इसी तरीके से फास्ट समाचार आपको लगातार शिवरात्रि पर दर्शन कराता रहेगा।